से 3 करोड़ का। ये हमारा पांडा रसा कोल्हापुर का फेमस है। तो ये है दल लेक। श्रीनगर में आने के बाद दल लेक पे टूर करना तो बनता है अपना। सो ये राजदूत करके जो हम लोग ने बुक किया है, ऑल द डिटेल्स ऑल द पॉइंट्स आई विल शेयर यू वंस वी स्टार्ट अवर राइड। सो टाइम चेक, अभी टाइम हुआ है 5 बजे एग्जैक्टली। वहाँ पे अपने चल रहे टाइम लैप्स, जैसे जैसे अपनी जर्नी प्रोग्रेस होती जाएगी इन शिकारा, आपको टाइम लैप्स अच्छे अच्छे मिलते जाएंगे। सो ये कुछ ऐसा है इतना बड़ा। एंड ये यहाँ मैं आन पीछे अंकल है। अंकल आपका नाम क्या है? मेरा नाम है बिशर अहमद। ओके बिशर अहमद जी, हम तो आज घुमाने वाले हैं दल लेक। शिकारा का नाम है राजदूत। राजदूत वो तो मैंने अंकल बैठते हुए दिखा है, तो आप क्या क्या पॉइंट दिखाओगे बताओगे जरा? गुलफाम लेक, फ्लोटिंग गार्डन, मीना बाजार, गोल्डन लेक और लोटस का। ओके सो ये सब पॉइंट्स दिखाने वाले हैं। सो भैया जी कितने टाइम लगेगा अपनो राइड में? हमारा घंटा सवा घंटा लगता है राहुल जी। ओके सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द हाउ मेनी पॉइंट्स यू हैव सिलेक्टेड। ओके अगर आप मीना बाजार में अगर शॉपिंग कर रहे हो तो टाइम पड़ता है। अखरोट का भी है। ओके अखरोट है, बादाम है, गिरिया है, मसाला है, चाय का केसर है, रेल केसर। ओके सो ये सभी पॉइंट पे अंकल हमको घुमाने वाला है। शॉपिंग तो हम लोग करने वाले नहीं, बिकॉज यू गाइज ऑलरेडी हम लोग वी आर ट्रैवलिंग ऑन अ बाइक, सो अपने पास खुद का सामान रखने के लिए जगह नहीं है, तो एक्स्ट्रा शॉपिंग करके सामान रखेंगे यहाँ पे। जैसे आए यहाँ पे इंजॉय करेंगे व्यू, दिस इज आवर वेरी फर्स्ट टाइम। सो अभी अंकल जो बोल रहे हैं ये जो पेड़ है वो चिनार का पेड़ है और वो शाहजहाँ ने लाया था फ्रॉम ईरान। सो तभी का है ये पेड़, इतना बड़ा है। सो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं 20 योर शिकारा राइड। ओके वो वाला शंकराचार्य मंदिर। सो ये शंकराचार्य जी का मंदिर जो हम विजिट करने वाले हैं ऑन टुमारो। मे बी आई विल कम्बाइन दिस विल ऑल द प्लेसेस ऑफ अराउंड श्रीनगर। सो ये वाटर लिली, तो अभी ओपन स्पेस पे आए हम लोग। ये है गुरफाम लेक। ओके तो हैदर मूवीज का शूट यहीं पे हो गया था ऐसा अंकल बता रहा है, और गुल गुलशन गुलफाम करके सीरियल है उसका भी शूट यहीं पे हुआ था। बिकॉज अभी आप देखोगे तो ये कम्प्लीटली ओपन हो गया है, अभी तक हम लोग जस्ट एक लाइन से चल रहे थे। दो साल बाप रे। खाली बॉटम लेन से नीचे उतारना पड़ता है, उसके ऊपर वो काम करता है। ये बनता है ऐसा वाला बोट, 4 बेडरूम, ये 3 करोड़ का बनता है। 3 करोड़ का? ये 3 करोड़ का अंकल बोल रहे हैं। 2 साल तो इसका बेस बनाने के लगता है, जो जमीन के ऊपर बनाते हैं, उसके बाद फिर पानी के अंदर छोड़ा जाता है। 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है पानी में। 4 बेडरूम वाला है। ओके 4 बेडरूम वाला है ये अंकल बता रहे हैं। और उसका रेट कितना रहता है? ये एक भी ले गया हमने, तो ये खा खा के ट्राई कर रहा हूँ मैं। और जगह उस वक्त नहीं, अलग टेस्ट है, मिक्स फ्रूट, बचपन की याद ताज़ा हो गई। इस पेड़ का बनता है क्रिकेट का बैट, एज कश्मीर इज वेरी फेमस मेकिंग द क्रिकेट बैट्स। यहाँ पे आपको सस्ते और अच्छे भी मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं फ्लोटिंग गार्डन। फ्लोटिंग गार्डन ओके ये वाला। इसके ऊपर सब्जी उगाते हैं, खीरा, खरबूजा, टमाटर, खरबूजा, लौकी। अंकल बोले ये फार्मिंग होती है यहाँ पे, हर एक वेजिटेबल से यहाँ पे पिकाए जाते हैं। उसको चाहिए तो आप बोट के पीछे ही बांध सकते हो, तो आपके पीछे 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 आपकी सब्जी जो बन रही है वो आपके साथ घूमते रहेगी। क्या बात है यार, कुछ अलग अलग चीज़ें यहाँ पे देखने और सुनने मिल रही है। और अंकल बता रहा है इन मंथ ऑफ जैन जब माइनस टेम्परेचर में जाता है तो ये कम्प्लीटली लेक है वो फ्रीज हो जाता है।
सो यहाँ से स्टार्ट होता है मीना बाजार, जो भी हैंड एम्ब्रॉयडरी रहती है जो यहाँ भी लोकल लेडीज़ करते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये कितना डीप रहेगा अंकल, कितना खोल रहेगा पानी इसका हाइट नीचे? हाँ ओके, वहाँ पे ज़्यादा है। सो यहाँ पे नीचे 8 फुट नीचे डीप है पानी। मैगी, कोल्ड ड्रिंक, ब्रेकफास्ट सभी चीज़ आपको यहाँ पे पानी की बाजू बाजू में मिल ही जाती है। क्या बात है यार, ये ड्राई फ्रूट्स का दुकान होल सेल रेट अंकल बता रहे हैं। ये यहाँ पे है मैगी पॉइंट, अलग ही दुनिया बसी है यहाँ पे। देखिए स्टेयर्स है ऊपर जाने के लिए, फिर आप शॉपिंग कीजिए, वापस आइए, कंटिन्यू करें अपनी जर्नी। इसके पहले हम लोग इस आइलैंड के पीछे थे, ये कंप्लीट एक आइलैंड है, यहाँ पे गाड़ी वगैरह नहीं जा सकती, सामान अगर कैरी करना है सो बोट के थ्रू लेके जाना पड़ता है। पूरा दल लेक में एक आइलैंड है और उसके साइड में सब हाउस बोट है। ये देख लीजिए, ये तो कितना बड़ा है यार, ट्राई एंड टेस्ट, इट्स ह्यूज बोट। ओके बोट नहीं है वो, नीचे कुछ तो अलग ही फंड है, उसके ऊपर वो फ्लोट हो रहा है। सो ये जो है वो बहुत पुराना घर है, अंकल बोल रहे हैं महाराजा रहते थे यहाँ पे उस वक्त का, तो सबसे ओल्डेस्ट हाउस है ये इन डल लेक। एंड यहाँ पे कम्प्लीटली लोटस का प्लांट है, ये देख लीजिए सब फ्लोट हो रहा है। ये है आइलैंड, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, सिर्फ हाउस बोट का आइलैंड है जैसे मैंने बता दिया। वापस हम लोग आ गए सेम मेन डल लेक के रोड के यहाँ पे। सो इट्स ऑलमोस्ट 1 घंटा होने को आ गया, 6 मिनट बाकी है, 6 मिनट हम लोग वहाँ तक जाएंगे। तो टोकन ऑफ द प्राइजेस, सो स्टार्टिंग में लोग आपको बोल देंगे 770 रुपीज़ गवर्नमेंट चार्जेस है 1 घंटे का हो जाएगा, बट तो बोलते हैं कि यहाँ से वहाँ तक ही लेके जाएंगे, वो धीरे धीरे चलाते हैं ऐसे आपको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे 4 to 5 points डिस्कवर करने का, दे विल आस्क यू फॉर 1,500 रुपीज़ इफ़ यू हैव गुड बार्गिंग स्किल, सो आप किस चीज़ से कम कर सकते हो। आई हैव एग्री विद देम फॉर 800 रुपीज़। इन 800 रुपीज़ दे हैव शोज अराउंड 1 आवर, 10 मिनट्स और 15 मिनट्स, इट्स अप टू यू। और आप शॉपिंग करते हो तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और शॉपिंग नहीं करते ऐसे हम लोगों को शॉपिंग नहीं की बिकॉज सामान खारी करने के लिए कुछ जगह ही नहीं अपने पास। तो 1 आवर 15 मिनट्स में कम्प्लीटली आपका हो जाता है 800 रुपीज़, ध्यान रखिए। इट्स ऑल डिपेंड ऑन हाउ गुड यू आर इन बार्गेनिंग। सो ऑलमोस्ट 1 घंटा के ऊपर हो गया हम लोग को, एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे सनसेट जो होता है अराउंड 7:23 या 20 मिनट को होता है, एज़ कम्पेयर टू मुंबई, मुंबई में तो 6:15 को ही रहता है। तो जैसे हम लोग ने लद्दाख राइड की, संस्कार राइड की, यहाँ पे सनराइज जो हो जाता है वो 5:15-5:20 को हो जाता है, तो यहाँ पे दिन बड़ा रहता है और रात छुपी रहती है, एंड हमारे यहाँ पे अपोजिट उल्टा रहता है। तो ये बिल्डिंग जहाँ पे हमारा रूम लिया है हमने ऑन फर्स्ट फ्लोर, सुंदर टिकाऊ, द बेस्ट रूम विद द बेस्ट व्यू ऑफ द लेक। तो ये थी अपनी राइड राजदूत डिलक्स। टाइम चेक 7:08 अपनी शिकारा राइड हो गई फिनिश, और ये देखिए सामने का नजारा, क्या ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है यार, बहुत ही प्यारा नजारा है। एंड ये देख लीजिए कंप्लीट डल लेक। अभी हम आए हैं लोकल फूड ट्राई करने के लिए, कबाब और ये चना अंडा है। चलो लेट्स ट्राई द लोकल कश्मीरी फूड। तो ये है उसके साथ, फिर ये कबाब है, एंड ये मैदे की रोटी आ जाती है। तो इसका कॉम्बिनेशन मिलके आपको खाना है। बार बार
आज बैठे। तो अभी हम लोग नई जगह पे आए हैं, नया फूड ट्राई कर रहे हैं। अभी मटन बॉल रहता है कुछ लोग का, वो ट्राई कर रहे हैं। व्हाइट ग्रेवी बोले तो उसके अच्छा इसके साथ ही दही रहता है, कैसा रहता है? सिर्फ दिखने के लिए दिखाओ मेरे को। ये देखिए मटन बॉल। तो अभी हम लोगों ने ट्राई कर रहे हैं कि सब रोटी बनाने में टाइम लगेगा, सो वी आर ट्राइंग विद इट्स राइस। और भी कुछ भैया ला रहा है विद दही का ग्रेवी कुछ रहेगा इसके साथ उसके ऊपर। सो यार वेरी प्योर कि हम लोग ट्राई करेंगे खुद ही, बोलेंगे यू कैन ट्राई दिस वन। सो दिस काइंड ऑफ फ्रेंडली पीपल वी आर गेटिंग इन श्रीनगर। ये देखिए ये व्हाइट में आ जाता है सेम ग्रेवी, ऐसा दही मिक्स करके आता है कर्ड में। ये तीखा वाला ग्रेवी आता है। इवन आई एम फ्रॉम मुल्लापुर, सो वहाँ पे भी तांबड़ा रस और पांडा रस का कंसेप्ट है सेम, ये वैसे ही यहाँ पे भी। सो ये थोड़ा कम स्पाइसी रहेगा, सो अभी वो भी ट्राई करेंगे एंड ये भी ट्राई करेंगे। बाय द वे दिस इज मेड अप ऑफ मटन कीमा, इसके अंदर आपको कोई बोन नहीं मिलेगा, ये प्योरली मटन का बॉल है। सो लेट्स ट्राई दिस वन। ये थोड़ा स्पाइसी है जैसे मैंने बता दिया, एंड ये जो है वो इसमें ये थोड़ा खट्टे टाइप ऐसे फ्लेवर है, दही है, दही का खट्टा फ्लेवर। अरे इसे काटे कैसे? चम्मच से नहीं काट सकते। इसमें क्या है, नारियल का दूध है कि नहीं? दही ना वो इसमें कैसे हम लोग इधर भी ऐसा सेम बनाते हैं, नारियल नारियल का फ्लेवर डालते हैं, मतलब रेड रसा अपने घर में। ये इसमें लगा है टमाटर पूरी है ना, हाँ इसमें वो तो वही थे उसमें तो इसमें ना नारियल का दूध बना के रहे वैसा नहीं रहे। तो ये हमारा पांडा रसा कोल्हापुर का फेमस है वैसा है नारियल का हमारे यहाँ पे। ये आपका खट्टा लगता है थोड़ा सा, ये खट्टी होती है। हाँ अभी इसे तोड़े कैसे? चम्मच से तोड़ने का नहीं टूट रहा है भैया, हमको दिखा रहे कैसे तोड़ने का। देखो इतना ताकत हमारे हाथ में नहीं, तुमको इतना ताकत नहीं है। हाथ से तोड़ के खाते वैसा कोई बात नहीं, दो काटा वाला चाहिए। हाथ संभालना आप, ये पूरा मटन की खीमे का बनाते हो। देखो कितना ये हार्ड नहीं है, उड़ेगा। ये भी काटना है? हाँ हाँ वो भी। फिर तो ये कुछ ऐसे दिखता है अंदर की तरफ से। सो ये देखिए कुछ ऐसे रहते हैं मटन बॉल्स, प्योर मटन रहता है, इसके अंदर कुछ बोन नहीं मिलेंगे, मस्त फ्रेश भैया बनाते हैं यहाँ पे। मस्ट ट्राई इफ यू आर इन श्रीनगर। सो रात के बजे हैं 9 बजने को आए गए। डल लेक का हाल कुछ ऐसा है, टूरिस्ट ऑलमोस्ट कम हो गया पर नज़ारा देख लीजिए, एक्सपीरियंस एक नंबर था यार। वो खाना खाया ना हम लोग ने, बहुत ही बढ़िया था। वो रही हाउस बोट्स वहाँ पे। द नेक्स्ट डे, सो मॉर्निंग व्यू ऑफ द लेक, सुबह के 8 बजे है। एक चीज़ है यहाँ पे यार, सुबह 5 बजे से गाड़ियों की आवाज़ चालू हो जाती है, तो कंटिन्यूसली हॉर्न मार 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 के पब्लिक चलाते हैं, विदाउट हॉर्न कोई चलाता नहीं। तो सुबह 5 बजे से आपकी आँख खुल जाती है, रात को भी जिससे सिक्योरिटी हट जाती है, जो अमरनाथ के लिए सिक्योरिटी यहाँ पे खड़ी रहती है वो 11:30 बजे तक हट जाती है। तो उसके बाद तो और पब्लिक का जब वो रहते हैं ना, खड़ा रहने भी नहीं देते और गाड़ी भी पार्क करने नहीं देते। सो वो हट जाने के बाद तो यार यहाँ पे माहौल ही अलग होता है, जैसे मुंबई में मरीन लाइन्स में होता है ना, पब्लिक जोर जोर से आवाज़ करके फिर इन्जॉयमेंट सब चालू। तो रात भर अच्छी नींद आई नहीं यहाँ पे। सो एक चीज़ ध्यान में रखें, इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टे नियर बाय और फ्रंट ऑफ द डल लेक, सो ये तकलीफ होगी आपको। पीछे तरफ किधर तो रहोगे शांत जगह पे एंड जब व्यू इन्जॉय करना है तो आओगे, तो वो ऑप्शन बेटर रहेगा। इतना तो मैं समझ गया हूँ, नेक्स्ट टाइम विजिट में ऐसे कर दूंगा, बिकॉज यहाँ पे ना किसी को भी सेंस नहीं है यार, कंटिन्यूसली हॉर्न दबाते ही जाता है, जैसे हॉर्न दबा के ही जाता है। सो दिस विल बी द कंटिन्यूटी ऑफ द व्लॉग फ्रॉम यस्टरडेज शिकारा राइड। सो आज का दिन एक्सप्लोर करेंगे जो जो प्लेसेस है यहाँ पे। पहले तो शंकराचार्य जी का टेम्पल है, वो मस्ट विजिट है, वो विजिट करेंगे। उसके लिए 200+ कुछ स्टेप्स चढ़नी पड़ती है, तो वो विजिट कर देंगे। उसके बाद और जो जो प्लेसेस जो मैंने पॉइंट आउट किए, जो पास पास में है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे, जो जो पास पास में वही प्लेसेस ट्राई करेंगे। कल तो यहाँ पे बहुत कड़ी धूप खिली थी, आज थोड़ा क्लाइमेट ओके ओके है। बाय द वे अपनी मैवरिक हो रही वहाँ पे। सो ये है रोड्स टूवर्ड्स शंकराचार्य जी टेम्पल, इसके आगे कार बाइक अलाव नहीं है, सो हम लोग ने बाइक वहीं पे खड़ी कर दी है। टाइम चेक 10:16। सो स्टेट्स हो गई है स्टार्ट, मैंने जितने तक सुना है कि 200+ स्टेट्स हैं। अभी भी ऊपर थोड़ी सी बाकी है
एंड इतनी सारी हमारी कवर हो गई इन 5 मिनट्स। सो यहाँ से चेकआउट कीजिए व्यू ऑफ श्रीनगर, क्या दिख रहा है यार, सब हाउस बोट्स, छोटे 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 आइलैंड के जैसे है इन दल लेक। एंड ये है ऊपर सिटी, पहुंच गए एट एंट्री 7 मिनट्स। सो ये है एंट्रेंस। अरे भाई भाई साहब कितना छोटा सा है, देख लीजिए। ये है गौरी कुंड, कुंड में पानी नहीं है। एक हम लोग को ऑन द वे रास्ता मिला था तो हम लोग वहाँ से यहाँ पे आए थे। व्यू, ये ऐसे रास्ता जाता है टुवर्ड्स गौरी कुंड, ये है मेन रास्ता। टाइम चेक 11:25 हो गए हैं एंड हम लोग करंटली आए हैं तुलिप गार्डन और परिमल वाले एरिया में। ये पार्किंग एरिया सामने इतना बड़ा है, मॉर्निंग से कुछ खाया नहीं था तो सोचा यहाँ पे पहले कुछ खा लेते हैं। बहुत सारे इटरी के ऑप्शंस है। तो थाली में क्या क्या आता है आपको दिखा देता हूँ। 250 रुपीज़ की थाली है, स्पेशल थाली है। यहाँ की बसेस देख लीजिए, देखिए कैसे फ्रंट देखोगे ना तो ट्रक के जैसा आता है। ये आ गई अपनी स्पेशल थाली, पनीर की सब्जी है, ये मिक्स वेज है, रायता है, ये दाल मखनी है लगता है, गुलाब जामुन, कर्व, 2 रोटी एंड राइस। जो करते हैं इसको फिनिश। सो ये है एंट्री टिकट 48 रुपीज़ फॉर 2 एडल्ट, 2 रुपये वापस नहीं मिलते यहाँ पे। ये तो सेम रिव्यू में भी पढ़ देखा था, वापस चेंज मिलता नहीं आपको। और ये कुछ ऐसा है, वाओ। सो देखते हैं क्या क्या है अंदर इन दिस टुलिप गार्डन। परिमहल पार्किंग में बहुत हालत ख़राब है, यहाँ पे कैसे भी डाल देते हैं। एंड ये है एंट्रेंस, टाइम चेक 2 बजने को आ गए। सो परिमहल से दल लेक कुछ ऐसा दिखता है, ये देख लीजिए, ये पीछे का साइड है। हम लोग आए थे इस माउंटेन के पीछे की तरफ से, देखना जाए तो कितना ह्यूज है ये देख लीजिए, यहाँ तक कनेक्टिविंग है। एंड यहाँ पर है परी महल, कुछ ऐसा है। एक और दो, बस दो ही चीज़ें, और कुछ है नहीं यहाँ पे, इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है। सो यहाँ से आए हम ऊपर टेरेस पे, ये टेरेस, छोटा गार्डन भी है यहाँ पे एंड व्यू। सो दिस इज द टेरेस ऑफ परी महल। कौन परी है, उसकी कोई हिस्ट्री का बोर्ड वहाँ पे रिसेप्शन पे या एंट्री पॉइंट पे कुछ नहीं था। टिकट काउंटर पहला है बॉस, और इन्फॉर्मेशन क्या बोर्ड ढूंढना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा किसका है ये महल। प्रो टिप देना चाहता हूँ, ये टिकट काउंटर है और यहाँ से टिकट चेक होती है, और ऊपर महल है। महल ऐसा कुछ नहीं है, देखने लायक चीज़ अगर आपको चाहिए तो विदाउट टिकट यहाँ से साइड से आइए एंड यहाँ से बस गार्डन भी और नीचे का व्यू भी परफेक्ट है।
अननेसेसरी 50 रुपीज़ मत वेस्ट कीजिए, दो जन का है पर पर्सन 25 रुपीज़। ये जगह बहुत वर्थ है अदर देन वो ऊपर वाली जगह से। ये देख लीजिए, वहाँ से नीचे जाने के लिए रास्ता भी है जो और एरिया का आपको एक्सेस मिल जाएगा, और भी आगे जा सकते हो उसमें से, वो देख लीजिए। ऐसे कुछ देखोगे तो लगता है कि कुछ पैलेस है। द ब्यूटीफुल डल लेक, डल लेक आप देखने जाओगे तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड पूरा देखिए उस तरफ भी है, फिर यहाँ पे एक आइलैंड है, फिर ये ऐसे होके फिर इस माउंटेन के पीछे भी बहुत बड़ा है। क्या बात है, तो तीन माउंटेन यहाँ पे दिख रहे हैं मुझको, एक जो शंकराचार्य जी का टेम्पल जहाँ पे हमने विजिट किया था, दूसरा वो देख लीजिए वहाँ पे एक फोर्ट है, लेट मी ज़ूम, ये देख लीजिए यहाँ पे एक फोर्ट है, दो हो गए एंड तीसरा ये जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं। अदर देन दैट ये तो अलग ही माउंटेंस है बड़े बड़े पीछे की तरफ, बाकी कम्प्लीटली फ्लैट लैंड है विथ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ डल लेक। बहुत गर्मी यार, ये तो बनता है यहाँ पे, जूस भी ट्राई करेंगे। बाय द वे ये है शालीमार गार्डन, इसके पीछे एक मुगल गार्डन गया वो हम लोगों ने विजिट किया, शालीमार गार्डन में विजिट करने आए, देखते हैं। बट रश ज़्यादा है और गर्मी बढ़ गई है, बट जब मुगल गार्डन अंदर से चेक किया ना हमने तो सेम एक जैसे ही दिख रहे हैं अंदर के।